अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुनते ही अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। हाइब्रिडाइजेशन कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं इस लेक्चर में बताऊँगी, होपफुली आप उसको अच्छे तरीके से सुनेंगे और फिर उसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद खुद सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन या एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जीज के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं और वो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनिशियली वो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो डिफरेंट एनर्जीज के होते हैं। जब वो डिफरेंट एनर्जीज के होंगे ऑब्वियसली उनकी शेप भी डिफरेंट होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स का मतलब ये होता है कि वो मिक्सअप होते हैं और मिक्सअप होने के बाद वो न्यू सेट ऑर्बिटल्स का फॉर्म कर देते हैं, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। वो होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो उसके बाद बनते हैं, ठीक है। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, इसके अलावा उनकी शेप भी उतनी स्पेसिफिक होती है। जो इनिशियली एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी डिफरेंट शेप होती है, वहाँ जाके इनकी शेप एक जैसी हो जाती है और एनर्जी स्टेट भी इनकी सेम हो जाती है, पहले वो डिफरेंट एनर्जीज के थे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बेसिकली थ्री टाइप्स होती हैं जो हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, और वो फिर हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में चेक करनी है कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, या ये जितनी टाइप्स की मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखी है ये कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल। 3p एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होते हैं, एक तो s हो गया, उसके बाद px, py एंड pz। ये तीनों पी के और ये एस, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं और ये न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। ये मिक्सअप होंगे और मिक्सअप होने के बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये फोर हैं तो वो भी फोर ही बनेंगे, लेकिन वो फोर के फोर एक जैसे होंगे। sp3, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा और ये भी sp3। इस तरह से टोटल फोर बनेंगे और ये इनको हम कहेंगे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जिनसे वो फॉर्म हो रहे थे। अब ये sp4 ही बनेंगे और सब में s का कैरेक्टर होगा और 3p का कैरेक्टर इक्वल होगा, इनकी एनर्जी स्टेट इक्वल होगी। और ये फॉर्म किस तरह से होंगे, हम कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल मीथेन की। जैसे अगर हम मीथेन में देखें तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन सेंट्रल एलिमेंट होता है और हमने सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो ये इस तरह से होगी 1s2, 2s2 और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जो एक होगा 2px में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2py में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे नहीं होगा, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, ये ग्राउंड स्टेट की थी, अगर हम एक्साइटेड स्टेट लिखें, एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिटल में मूव करके चला जाता है, तो उसकी जो इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, क्योंकि यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल, ये सेकेंड शेल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सेकेंड शेल, ये सारा सेकेंड शेल है। और सेकेंड शेल में एक हमने रूल पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन के पास इक्विवेलेंट स्पेस अवेलेबल होती है, एक जैसी एनर्जी लेवल पर ज़्यादा स्पेसेस अवेलेबल हों, तो इलेक्ट्रॉन ये कोशिश करते हैं कि वो अनपेयर्ड हों, वहाँ सेटल हों, उसके बाद वो पेयर्ड होते हैं। ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, यहाँ एम्प्टी स्पेस है, लेकिन यहाँ पे ये भी सेकंड शेल का पार्ट है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वहाँ चला जाएगा, तो ये फिर सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो हमने एक्साइटेड स्टेट में ऐसे ही लिखना है, फर्स्ट शेल को तो हम इसी तरह से लिखेंगे, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सेकेंड शेल
टू एस, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, टू पी एक्स में वन इलेक्ट्रॉन हम यहाँ प्लेस करेंगे, टू पी वाई में भी करेंगे, और ऐसे ही अब हमने टू पी, इसके बाद नेक्स्ट जब हम लिख रहे होंगे तो हमने टू पी जी में भी एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देना है। ठीक है, हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट कर दी। अब हमें ये करना है कि अब हमें हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है कि ये किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये फोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो मिक्सअप होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 यहाँ पे बनेगा, ये भी sp3 बनेगा, ये वाला भी sp3। अब हम ये नहीं बता सकते कि y कहाँ है, x कहाँ है। ठीक है, ये भी sp3 बनेगा और इनका रेशो सब में इक्विवेलेंट होगा। और जब हम इसे डायग्राम की फॉर्म में शो करें, अब यहाँ तक तो सिंपल सा है कि हमने बता दिया एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वो मिक्सअप हुए, उन्होंने हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर दिए, जो 4 sp3 sp3, इस तरह से हमने 4 ऑर्बिटल्स शो कर दिए। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है कि हमने डायग्रामेटिकली इसको किस तरीके से शो करना है। अब हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन को डायग्राम की फॉर्म में शो करेंगे। सेंटर में मीथेन के कार्बन है, इसलिए हम सेंटर में कार्बन लिखेंगे। अब हमने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो sp3 वाले हैं ये शो करने हैं। तो ये जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें हमेशा शेप टेट्राहेड्रल बनती है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल इस तरह से बनती है कि 3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम इस तरह से बना देते हैं और एक बैक पर होता है, बैक साइड पर होता है जाता है, ये इस तरह से अरेंज हुए होते हैं, ये ऊपर एक होता है अपर डाइक, और हर साइड से इनका डिस्टेंस एक जैसा होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म किए हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर हम इसका लिख एस एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो सर्कुलर होती है। ठीक है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं हुई, हाइब्रिडाइजेशन तो जस्ट सेंट्रल एलिमेंट की हुई है जो हमने कर दी है। अब हाइड्रोजन हमने एज इट इज़ इसके साथ अटैच, 4 हाइड्रोजन है हर ऑर्बिटल के साथ, एक हाइड्रोजन, और हमने सर्कल बनाना है इसलिए कि इसका एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हमने हाइड्रोजन दिया। ठीक है, अब ये देखिए हाइड्रोजन के साथ मैंने हाइड्रोजन इन 4 के साथ लिख दिया है, हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप हो गया है, और हाइड्रोजन का हमने एस क्यों लिखा है, सर्कुलर बनाया है इसलिए कि उसकी एस पे ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होती है। अच्छा, ये तो मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके बाद हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल। अच्छा, इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक वाटर एंड अमोनिया, तो वो मैं डिफरेंट लेक्चर में उन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी मैं सिर्फ पूरे कंप्लीट लेक्चर को कि ये हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है और फिर इनकी एक एग्जांपल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि 1s और 2p, 2p का मतलब px एंड py, ये दोनों के साथ आपस में मिक्सअप होंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन वो फॉर्म करेंगे उसे हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड के केस में। अब ये देखिए सेंट्रल एलिमेंट तो वही होता है जो एक हो, तो ये सेंट्रल एलिमेंट है बोरोन, उसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच है। अगर हम बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें ग्राउंड स्टेट में, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, ये बने इसके बाद 2s2 और 2px1 और 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, और उसके अलावा 2pz में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें, अगर हम एक्साइटेड स्टेट में इसको देखें तो एक्साइटेड स्टेट में हम क्या लिखेंगे, 1s2 तो इसी तरह से आएगा, यहाँ से 2s, अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा क्योंकि एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और हम लिखेंगे 2px1 क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हमने फिलहाल ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देना है। अब ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, 1s है और 2p है इसलिए ये sp2 बनेंगे। ठीक है, लेकिन sp2 टोटल 3 बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी फॉर्म होते हैं, तो ये sp2 एंड sp2 फॉर्म हो जाएंगे। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। अच्छा, डायग्रामेटिकली अब हमने बनाना है सेंटर में, सेंट्रल एलिमेंट बोरोन है तो हम सेंटर में बोरोन लिखेंगे, और 3 इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं तो इसकी ट्रायंगुलर प्लानर शेप बनेगी। ठीक है, वो ट्रायंगुलर प्लानर का मतलब ये कि 3 हमने इस तरह के बनाने हैं और ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर डिस्टेंस पर होंगे और एक ही जैसी शेप के होंगे, जैसे ये थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया लेकिन इनकी शेप आपने एक ही जैसी बनानी है। ठीक है, ये बोरोन के हो गए और ये जितने भी हैं ये तीनों के तीनों sp2 हैं, और इसकी सराउंडिंग में अब हमने
इसमें हमने क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट बोरोन के साथ फ्लोरीन है तीन, तो हमने फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके देखना है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो अब हम अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखें F9, हमने इसके अकॉर्डिंग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है, तो ये बनेगी 1s2, उसके बाद 2s2, नेक्स्ट होगा 2px, 2py, और लास्ट में हमने इसमें लिखना है 2pz। ठीक है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन हमने पहले दो में कंप्लीट कर दिए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, ये 8 हो गए, और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। हमने स्टार्ट करनी है इस ये पार्ट, इसका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो pz और p ऑर्बिटल्स की जब भी हम शेप बनाते हैं अलोंग द एक्सिस, हम डबल डंबल बनाते हैं इस तरह से करके। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस हो तो एक्स के साथ, वाई के साथ इस तरह से, और जी एक्सिस के साथ इस तरह से। तो ये जी है, तो स्पेस के अकॉर्डिंग, जैसे स्पेस में ओरिएंटेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी ओवरलैपिंग होगी, और आपने इस तरह से शो करना है कि ये 2pz ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन है। ठीक है, ये हमने इसके साथ फ्लोरीन लिख दिया, हम यहाँ पे भी सिमिलर ऐसे ही कंडीशन शो करेंगे, और इसके अलावा हमने यहाँ पे भी इसकी ओवरलैपिंग शो करनी है। ये 2pz आपने मेंशन करना है कि ये फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पे जो सेंटर में 3 ऑर्बिटल्स हैं ये बोरोन के हैं, और ये अब जो शेप बनी है ये ट्राइंगुलर प्लानर बनी है। ठीक है, और जब ये इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे, जैसे बोरोन में मिक्स हो रहे थे, एक एस ऑर्बिटल था, इसके अलावा px मिक्सअप हो रहा था, और py मिक्सअप हो रहा था, ये तीनों मिक्सअप हो रहे थे। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को मिक्सअप करें और देखें कि अब ये जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, वो भी हमने देखा कि ट्रायंगुलर बनते हैं। ट्रायंगुलर का मतलब ये होता है कि इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, हम कंप्लीट इस तरह से शो करते हैं, और हर उसके साथ एक स्मॉल, जैसे इसकी जो एक्चुअल शेप होती है वो ऐसी होती है, इस तरह से बना के, और छोटा सा इस तरह से बनाया जाता है, तो इसकी सराउंडिंग पे इसलिए इस तरह से बुक्स में बना होता है, इसके साथ यहाँ पे एक बना हुआ होता है, और इस वाले ऑर्बिटल की ओपोजिट साइड पे यहाँ पे एक बना हुआ होता है, तो वो इस चीज़ को शो कर रहा है, ये वाली शेप होती है एक्चुअली, वो जो कर रही होती है। नो, लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन, इट मींस कि इसमें एक इसमें 1s और 1p मिक्सअप होंगे। ठीक है, और इसकी अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, तो एग्जांपल जैसे बेरिलियम डाइक्लोराइड, इसकी अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, सेंट्रल एलिमेंट बेरिलियम है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो बेरिलियम 4, हम लिखेंगे 1s2, 2s2, और 2 शेल है, तो इट मीन्स कि 2px, 2py ये सब हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। ठीक है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, और एक चीज़ हमने जो डिस्कस की थी कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक जंप करके यहाँ चला जाएगा जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे। तो ये हम लिखेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अब आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2px में अब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये नेक्स्ट आगे वैसे ही एम्प्टी होंगे, इनमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ से तो एक ही इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट में मूव कर दिया है। ये दोनों मिक्सअप होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, एक एस और एक पी मिक्सअप हो रहा है, तो इसलिए ये होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक, और अगर हम इसकी शेप बना के देखें, तो बेरिलियम की जो शेप बनेगी, बेरिलियम क्योंकि 2 लोब्स ही बनेंगे, तो वो 2 लोब्स, एक तो ये sp हो गया, सेकेंड ये sp हो गया, क्योंकि 2 ही बने हैं। अच्छा, ये हमने 2 लोब्स अब बेरिलियम के बनाने हैं, दोनों ही sp हैं, तो 2 लोब्स, इसके साथ हमने डाइक्लोराइड लिखा है, तो डाइक्लोराइड के लिए अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखें, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग मैंने कर दी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5 में अगर हम इसको फर्दर देखें, तो ये बनेगा 3px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें हम लिखेंगे 3py, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके अलावा हम लिखेंगे 3pz, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इट मीन्स के, और ये अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब नज़र आ रहा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसलिए अब हमने इस को बॉन्डिंग में शो करना है दोनों क्लोराइड, दोनों क्लोराइड इसके साथ ओवरलैपिंग में होंगे, दोनों का bz ऑर्बिटल ही, और z ऑर्बिटल की भी शेप मैंने आपको बताई थी कि वो भी डंबल होती है, जस्ट स्पेस के लिहाज से वो अरेंज हुई भी होती है। ये हो जाएगा 3pz ऑर्बिटल, और ये क्लोरीन का है, और इस साइड पे भी हम लिख देंगे क्लोरीन, और ये बन जाएगा 3pz ऑर्बिटल। ठीक है, ये इस तरह से इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी।
अभी मैंने आपको स्टार्ट में मीथेन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और उसके बाद 2sp2 और sp में आपको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन दिखाई है। यहाँ तक मैंने सिर्फ एक एक एग्जांपल कोट की है ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टाइप के साथ एक एक एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब रिमेनिंग वीडियोज़ दो तीन और वीडियोज़ में मैं कुछ और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स उसमें इंक्लूड कर दूँगी। पहले आप इन बेसिक को अच्छे तरीके से देख के अपनी बेस बना लें, फिर आपने वो एग्जाम्पल्स कर लेंगे।